राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन प्रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम आप हमें बताइए, तो इसके ऊपर तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए। तो बस, तो हम लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी तो एक बाल रूप है, तो उनकी पूजा तो कर ही सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि है तो वो भगवान ही ना, तो उनकी पूजा हम ऐसे में नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे में करना क्या चाहिए? या तो हमारे घर में जो हमारे हस्बैंड हैं या फिर बच्चे हैं, तो आप 3 दिन के लिए उनसे बोल दें कि भाई उनको जो भी नहलाना है, देखते तो हैं ही वो घर में, और वैसे भी बीच बीच में बच्चों को कह देना चाहिए कि बच्चों जैसे दूध दे दे, बिस्किट वगैरह दे दे, मम्मी खाना बनाती है, तब भी वो उनसे लगवा दें आप जैसे भोग। तो आप ऐसे कर सकते हैं, भोग तो आप बना नहीं सकते किचन में उनके लिए, या तो फिर आप बाजार से मंगा दें कुछ उनके लिए, या फिर ऐसा होता है हमारी जब तबीयत खराब होने वाली होती है, हमें पता ही होता है कि किस डेट को तबीयत खराब होगी, तो आप या तो कुछ मीठा जैसे लड्डू वगैरह बना के रख दें, घी की लोज वगैरह कुछ भी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बना के रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए उनको भोग, और फ्रूट का भोग लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बाजार से आप कुछ भी मंगा के भोग लगवा सकते हैं अपने घर में या फिर अपने बच्चे से। आप भोग नहीं लगा सकते क्योंकि है तो वो भगवान ही, बेशक से वो बाल रूप है मगर वो है तो भगवान ही ना। तो भक्तों, आप मंदिर में कुछ दिन पहले ड्राई फ्रूट एक डब्बी में डाल के रख दें, मिश्री, और उसमें तुलसा जी डाल के रख दें कुछ दिन पहले ही, आपकी जब तबीयत खराब होने से पहले आप वो भी डाल के रख सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी आप अपनी सेवा खुद कर सकते हैं, अगर कोई नहीं करेगा तो उन 3 दिनों, क्योंकि हमारी तो मजबूरी हो जाती है, तो हम तो कर नहीं सकते लेडीज, तो मेरे घर में तो मेरे बच्चे कर देते हैं, मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं। आप अपने बच्चों को बीच बीच में, आप उनसे बीच बीच में भी जैसे कराते रहें, कभी कभी बीच में जैसे आप खाना बना रहे हैं उनको दे दिया कि बेटा लो भोग लगा दो, बीच बीच में उनसे बीच बीच में भी कराते रहिए, क्योंकि महीने में उनको ऐसा लगेगा मम्मी आज क्यों करा रही है। तो आप अपने बच्चों से बीच बीच में भी कहते रहें कि उनको स्नान करा दे कभी, और कभी जैसे बिस्किट लेके आए आप बाहर से, कुछ भी लेके आए, बच्चों को दे दिया कि बेटा भोग लगाया हो, और तुलसी का उनको बताइए कि तुलसी पत्ता है, तुलसी पत्ता खाने में रख दें, वो भी आप उनको ज़रूर बताएं, कि बच्चे भी कुछ सीखते ही हैं ना। कुछ घर में लेडीज, काफ़ी घरों में लेडीज अकेली भी होती हैं, तो उस घर में क्या करें लेडीज, वो तो उनको करना क्या चाहिए, या तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल दे, या फिर अपने आस पड़ोस में बोल दे किसी को भी 3 दिन के लिए, या फिर घर के पास जो भी मंदिर हो वहाँ पे पंडित या पंडितानी हो, आप मंदिर में बोल सकते हैं, मगर आप सेवा ना करें तो भक्तों स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको इसके लिए अनुमति नहीं देंगे। तो आप किसी भी फ्रेंड से बोल सकते हैं या फिर आस पड़ोस में, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो फिर आप कान्हा जी से ही कहिए कि कान्हा जी आप ही किसी को भेजिए अपनी सेवा के लिए, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप उनको, आप मानसिक सेवा कर सकती हैं उनको, अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा तो आप मानसिक सेवा कर सकती हैं उनकी। उनकी पूजा आप ऐसे कर सकते हैं, उंगलियों पे 108 बार अपना जाप कर सकती हैं, और बैठ के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं ऐसी, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अगर खाना नहीं दे सकती तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चे हैं तो ठीक है, आपके बच्चे दे रहे हैं, नहीं तो आप मानसिक पूजा कर सकती हैं, ठाकुर जी से कह सकते हैं कि 3 दिन आप खुद ही ध्यान रखें अपना, और क्या कहते हैं, भक्ति करते रहिए आप उनकी, और भागवत गीता सुनते रहिए। भागवत गीता को तो हाथ लगा नहीं सकते, तो आप अपने फ़ोन में या टीवी में सुन सकते हैं, भजन माला जाप कर सकते हैं, वो भी उंगलियों पे कर सकते हैं। तो भक्तों इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि उन दिनों हम पूजा कैसे करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो भक्तों यही थी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।